स्पेशल का भाई सके थोड़ा कैमरामैन के साथ हम लोग देखिए कितना भाई का थान मात पूरा दम जबरदस्त आया हुआ है। देखिए देखिए देखिए, और भाई भी पूरा दम लग रहा है कि हाथी की तरह। कैमरा वाला चीज तो नहीं खिलाते नहीं, हैं नहीं मतलब खिलाते क्या हैं? खिलाते हैं देसी चीज में? देसी चीज में हम मतलब इसको जो हरा चारा है वही खिलाते हैं। भैंस का अपना कीमत 3 लाख रुपए रखे हैं। अच्छा देखिए भैंस का कीमत। तो गाइस मेरा केसिंग फोकस चैनल के साथ बने रही है, और हम आज इस समय आ गए हैं देसी लुक में, और बताना चाहते हैं कि यहाँ भैंस पालन होता है या भैया भैंस पालते हैं, और इन्होंने एक भैंस पाला है। देखिए भैंस का, देखिए ये हरियाणा की भैंस नहीं है, हमारी यूपी की भैंस है, और ऐसा भैंस हरियाणा में नहीं हमारी यूपी में भी रहती है, और ये किसान है भैया, और भैंस को बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया है। और देखिए दिखा दीजिए चारों तरफ, थोड़ा भैया को दिखा दीजिए तो थोड़ा कैमरामैन, हमारे कैमरामैन दीपक के साथ। देखिए ये हरियाणा के नहीं हमारे यूपी, हम गाजीपुर जिला सरैला से बोल रहे हैं, इस समय उपस्थिति अपनी दर्ज कराए हैं। और भैंस देखिए कितना जबरदस्त एकदम भैंस है। ये भैया जी हैं, आइए भैया भैंस के पास आइए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मौर्या है। अच्छा कहाँ घर भैया आपका? मेरा घर सरैला पड़ेगा, ग्राम सरैला, पोस्ट इंदापना, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। अच्छा गाजीपुर। एक बार फिर वीरो की धरती से आपका ये भैंस है, जो ये भैंस को मतलब इतना पाल पोस के अब मतलब कितने भैंस रखे हैं आप? हमारे पास इस समय 2 भैंस हाँ और पानी है। अच्छा इसको मतलब क्या खिलाते हैं पिलाते हैं? हम इसको जनरली रूप से खिलाते पिलाते जो हम लोग के मतलब खाद पदार्थ वाला चीज तो नहीं खिलाते नहीं, हैं ज्यादा नहीं मतलब खिलाते क्या खिलाते हैं देसी चीज में? देसी चीज में हम मतलब इसको जो हरा चारा है वही खिलाते हैं। हरा चारा में कैसा? हरा चारा मतलब जो इस समय हम लोग देसी चरी, देसी चरी नहीं, हम लोग का मतलब जो हाइब्रिड चरी आता है, बढ़िया चरी, बढ़िया नस्ल जो चरी आता है वही खिलाते हैं पिलाते हैं। हमारे हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा चोकर और गेहूं का दलिया देते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं देते हैं। अच्छा। और इस समय भैंस का जो स्थिति है, देखिए हमारे कहने का मतलब है कि हमारे ऐसा नहीं कि जैसे हरियाणा में पंजाब में लोग केमिकल और खाद मिलाकर ऐसे ऐसे भैंस को तैयार करते हैं, हमारे देश में हमारे यूपी के जो जिला है गाजीपुर में, हमारे देश जो हमारे राज्य और हमारे शहर में ऐसी भैंसों को तैयार करने के लिए हम लोग बहुत देसी चीज का उपयोग करते हैं, जैसे चरी मतलब कौवा बिया नहीं है मतलब इधर आ जाइए थोड़ा कैमरे से दूर जाएंगे। ये दूसरा बिया था, अभी दांत में 6 है। दांत में 6 है, और पहले बियान में भैंस दूध 8 लीटर की थी। 8 लीटर पहले बियान में? कौन से बियान है? दूसरा बियान है। देखिए पहला बियान में भैंस 8 से 9 लीटर दूध देती थी, और ये दूसरा बियान में इसका शरीर एकदम पूरा बढ़ चढ़ के एकदम पूरा हाथी के तरह हो गया है। और देख लीजिए दूसरे बियान है भैया, दूसरा बियान इसको बेचना चाहते हैं? इसको हम बेचना चाहते हैं। अच्छा आ जाइए, मतलब कहा सीमन से है या भैंसा से? सुल्तान बुल, सुल्तान बुल के सीमन से है। देखिए बुल्तान बुल सुल्तान क्या बोल रहे हैं भैया? सुल्तान बुल के सीमन का है बच्चा। देखिए सुल्तान बुल का सीमन का ये बच्चा है ये, और सीमन चढ़ाया गया था। कौन डॉक्टर आए थे चढ़ाने के लिए? हमारे डॉक्टर प्रमुख डॉक्टर साहब आए थे। कितना खर्चा लगा था? उस समय हमारे ऐसे 1000 रुपए लिए थे। अच्छा 1000। और ये मतलब इस समय भैंस को बेचना चाहते हैं, कितना कीमत लगाए भैंस का? भैंस का अपना कीमत 3 लाख रुपए रखे हैं। अच्छा देखिए भैंस का कीमत 3 लाख रुपए रखे हैं भैया, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको 3 लाख नहीं, अब आपका भैंस 5-6 लाख रुपए के अधिक की जाएगी जो आप खिला पिला कर। चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ थोड़ा हम चाहेंगे भैया कि थोड़ा सा खोल दीजिए और खोल के थोड़ा सा दिखा दीजिए कैमरामैन के साथ। है तो पीछे आ जा पीछे। देखिए यहाँ पे 3-4 भैंसे हैं, भैंस के यहाँ पालन पोषण होता है। देखिए किसान के बेटे हैं, और एक पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी के साथ साथ मेहनत के साथ साथ ये भैंस भी एक रखे हैं, और बहुत अच्छी नस्ल का भैंस रखे। थोड़ा कैमरामैन के साथ हम लोग देखिए कितना भैंस का थान मात पूरा दम जबरदस्त आया हुआ है। देखिए देखिए देखिए, और भैंस भी पूरा दम लग रहा है कि हाथी की तरह। कैमरामैन उस पर लगातार फोकस कीजिए। अब बेचना चाहते हैं भैया, कितने दिन में बचना देने वाली है ये? 15 से 20 दिन ज्यादा से ज्यादा ले जाएगी। अच्छा आज कितना तारीख है? आज 30 तारीख है। 30 तारीख हो गया, लगभग अगले महीने में 20 तारीख को, 20 तारीख तक पहले पहले। अच्छा जिसका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, जो लेना चाहेगा आपके माध्यम मेरे नंबर स्क्रीन पे दे देंगे। हाँ। और जो लेना चाहेगा उसको दे सकते हैं आप? ले सकते हैं। कितना कीमत है लास्ट बता दीजिए? 3 लाख रुपए तक। 3 लाख रुपए भैंस का कीमत है, और ये सुल्तान बुल का ये सीमन चढ़ा हुआ है, और हमारी जो भैंस एकदम पूरा हाथी की शरीर की है, पूरा देख लीजिए जबरदस्त इसका बजरा बजरा सब कुछ है, एकदम पूरा शरीर से माती हुई है। हम कहेंगे कि ये दूसरे बियान में तो लगभग 10 लीटर पारी कर जाएगी, 10 लीटर दूध देगी, पहले बियान में 8 लीटर।